स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अप्लाइड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज पब्लिश्ड बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO एज आ। तो जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है IIP और CSO के थ्रू ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, वो कैसी है? हाफ ईयरली सीरीज आती है, उसकी मंथली आती है, ईयरली आती है या क्वार्टरली सीरीज आती है? तो आंसर हो जाएगा आपका मंथली सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ SSMI क्या होगा? सैम्पल सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, सैम्पल सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, या सोशल सर्वे, या सैम्पल सर्वे ऑफ मेंटेनिंग इंडस्ट्रीज? सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सैम्पल सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट वॉज इनेक्टेड बाई द गवर्नमेंट इन द ईयर। तो द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट जो है वो किस टाइम में इनेक्ट हुआ था, मतलब एक्ट बनने का टाइम पीरियड पूछा जा रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1953। जो ऑप्शंस गिवेन है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है 1953। लेकिन अगर 1953 या ये आपका ऑप्शन ना हो और 2000 की सीरीज में आपके ऑप्शंस दिए हों, तो 1953 के बाद का जो एक्ट है वो है 2008, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक एक्ट 2008। तो आप ऑप्शन देखिएगा, 1953 का है तो 1953, अदरवाइज 2008 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 मेल लिटरेसी रेट वॉज अप्रॉक्स। तो आपका जो है सेंसस 2011, देखिए 2011 से पहले 2001 में हुआ था और अब 2011 में जब हुआ तो उसमें पूछ रहा है कि लिटरेसी रेट क्या थी मेल की और आपको अप्रॉक्स बताना है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 82%। एक्यूरेट जो रेट था वो था 82.14% मेल का लिटरेसी रेट था। वहीं अगर बात करें फीमेल की लिटरेसी रेट की 2011 के सेंसस में, तो दैट इज 65.46, राइट। और अगर हम अपने कंट्री की लिटरेसी रेट की बात करें तो कंट्री का लिटरेसी रेट था पूरे का पूरा 74.04%, राइट। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा मेल का 82%, फीमेल का 65.46% और ऑल ओवर कंट्री का लिटरेसी रेट कितना गया, 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द सेंसस एक्ट मेड। तो सेंसस एक्ट जो है वो कब बना था, तो वो बना था आपका 1948 में। और ये जो सेंसस होती है आपकी जनगणना, वो हर 10 साल के बाद करानी होती है, राइट। लेकिन अभी आपकी जो जनगणना होनी थी 2011 के बाद, वो नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल फर्टिलिटी रेट्स इज कैलकुलेटेड इन। तो जो GFR है वो कैलकुलेट होता है क्या, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, पर 2000 वुमेन में, पर वुमेन में, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द एबव। सो आंसर विल बी व्हाट, नन ऑफ द एबव, क्योंकि जनरल फर्टिलिटी रेट जो होता है वो पर 1000 वुमेन में कैलकुलेट होता है और ये एक एज स्पेसिफिक रेट होता है, राइट। वहीं पर टोटल फर्टिलिटी रेट जो TFR होता है वो पर वुमेन कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइटल इंडेक्स ऑफ पॉपुलेशन मेथड वॉज डेवलप्ड बाय। तो वाइटल इंडेक्स ऑफ पॉपुलेशन जो है वो किसके थ्रू डेवलप किया गया था, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेमोंड पर्ल, या आर पर्ल भी इनको कहते हैं, इनके थ्रू ये डेवलप किया गया था। और ये क्या होता है एक्चुअली, वाइटल इंडेक्स ऑफ पॉपुलेशन होता क्या है, तो ये एक रेशियो है किसके बीच में, नंबर ऑफ बर्थ एंड नंबर ऑफ डेथ के बीच में। मतलब वाइटल इंडेक्स ऑफ पॉपुलेशन बर्थ और डेथ, जैसे हम नोटैलिटी एंड मोरालिटी कहते हैं, इसके बीच का रेशियो कहलाता है, राइट। और ये पर 1000 में कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CDR। तो CDR क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म पूछा गया, दैट इज क्रूड डेथ रेट होता है। CDR का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रूड डेथ रेट। और ये कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए क्रूड डेथ रेट जो हम कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली ये पर्टिकुलर कंट्री, ज्योग्राफिकल एरिया, लोकेशन किसी एक, मतलब फिक्स करके करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने किसी ज्योग्राफिकल एरिया का फिक्स किया, तो टोटल नंबर ऑफ डेथ उस ज्योग्राफिकल एरिया की डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरियाज, मतलब दैट ज्योग्राफिकल एरियाज, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर मैंने कंट्री एक्स का CDR कैलकुलेट करना है, तो कंट्री एक्स में टोटल नंबर ऑफ डेथ कितनी हुई है और कंट्री एक्स की पॉपुलेशन कितनी है, राइट। तो नंबर ऑफ डेथ डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन, क्लियर। और ये जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो एक स्पेसिफिक
टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करती हूँ, जनरली ये कैलेंडर ईयर होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दैट इज CPI वो आपका क्या इंडिकेट करता है। तो CPI आपका इंडिकेट करता है राइस फॉल बोथ ए एंड बी, सो एंसर विल बी वॉट बोथ ए एंड बी, ये आपका दोनों ही चीज़ें को इंडिकेट करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मार्शल एड्सवर्थ, तो इसमें से कौन सा जो फॉर्मूला है वो मार्शल एड्सवर्थ का फॉर्मूला है, राइट। तो देखिए आपका ये जो फर्स्ट फॉर्मूला दिया गया है दैट इज नॉट, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है आपका समेशन ऑफ P1 Q0, मतलब क्या हो गया प्राइस आपका करंट ईयर का और क्वांटिटी आपकी क्या होगी बेस ईयर की, डिवाइडेड बाई P0 Q0 प्लस समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ P0 Q1 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका मार्शल एड्सवर्थ का फॉर्मूला होता है। यहीं अगर आप इसको जो है 1/2 से डिवाइड, मतलब पूरे का पूरे फॉर्मूले को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमें फॉर्मूला मिलता है वो किसका मिलता है, डर्बिश का मिलता है फॉर्मूला, डर्बिश बोले का फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है। अच्छा अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और डी को अगर देखें तो सी क्या है समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ P0 Q0 और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें किससे 100 से, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है आपका लेसवे का फॉर्मूला बन जाता है, राइट। और वहीं पे अगर हम डी ऑप्शन देखते हैं दैट इज समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0 और Q1 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो ये पाश्चे का बन जाता है, ठीक है। तो ये इनके फॉर्मूले हैं, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल फर्टिलिटी रेट, सॉरी TFR स्टैंड्स फॉर, सो यस TFR इज स्टैंड फॉर व्हाट टोटल फर्टिलिटी रेट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, सो बी इज द व्हाट, बी इज द स्लोप। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड व्हेन, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट कब सेटिस्फाई होता है, तो जब P01 मल्टीप्लाई बाई P10 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और अगर हम ये चेंज करके देखते हैं लेस्पेयर का एलमथ और उसका पाश्चे का भी, तो इन लोगों ने सेटिस्फाई नहीं किया जबकि फिशर्स का जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ऑल द वैल्यूज आर द इक्वल इंपॉर्टेंस द इंडेक्स नंबर आर कॉल्ड, तो जब इंडेक्स नंबर सभी वैल्यूज जो होती हैं वो इक्वल इंपॉर्टेंट की होती हैं, सभी वैल्यूज का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है, तो इंडेक्स नंबर को हम कैसे कहते हैं अनवेटेड, क्योंकि वेट देने का कोई मतलब नहीं है। वेट हम कब करते हैं कि जब कोई किसी का ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो किसी की कम इंपॉर्टेंस, जब सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है तो उसको हम कहेंगे अनवेटेड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मूला इज यूज इन चेन इंडिसेस, राइट। तो चेन इंडिसेस में इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि जो चेन इंडिसेस होती है आपकी बेसिकली वहाँ पे कोई भी फिक्स्ड ईयर नहीं होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं जो प्रीवियस ईयर होता है उसी के बेसिस पे हम पूरा कैलकुलेट करते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर को ही हम बेस ईयर बनाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए देखिए PN डिवाइड बाई PN-1, तो उसी के पहले वाले प्रीवियस ईयर को हम बनाते हैं, इसीलिए चेन इंडिसेस फॉर्मूला बी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन बेस मेथड द बेस पीरियड इज, तो चेन बेस मेथड में जो बेस पीरियड होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है या फिर नॉट फिक्स्ड होता है या कांस्टेंट होता है या कैन नॉट बी डिसाइडेड, सो आंसर विल बी व्हाट, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, क्योंकि चेन बेस मेथड में हम बेस पीरियड को फिक्स नहीं करते, वो कैसा होता है मतलब प्रीवियस ईयर का होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स फॉर बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन, सो यस आंसर इज 100, हम बेस पीरियड के लिए जो इंडेक्स नंबर लेते हैं दैट इज व्हाट 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्राइस कोटेशंस आर कलेक्टेड फ्रॉम, तो जब हम CPI कैलकुलेट करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो प्राइस कोटेशंस हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्राइस को एक मतलब बास्केट से कि मार्केट में जो वो चीज़ें परचेज करने के लिए अगर आप जाएंगे तो क्या प्राइसेस इन्वॉल्व है, तो उसी के लिए हम ये इस तरह से कैलकुलेट करते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे हम जिन गुड्स का या जो बास्केट में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसकी प्राइस हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो कोटेशंस हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो दैट इज़ फ्रॉम गवर्नमेंट डिपोर्ट्स, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इन फिक्स बेस मेथड द बेस पीरियड इज
बेस पीरियड शुड बी. तो अगर हम बेस मेथड फिक्स बेस मेथड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो बेस पीरियड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फॉर अवे, एबनॉर्मल, अनरिलायबल या नॉर्मल? तो यस, इट शुड बी ऑलवेज नॉर्मल, क्योंकि वो किसी भी तरीके से बायस नहीं होना चाहिए कि उस हम जिसको बेस बना रहे हैं कि हम कंपैरिजन इससे करेंगे, अगर वही ही सही नहीं हो, वो एबनॉर्मल हो, तो आपका पूरा रिजल्ट सही नहीं आता. तो वहाँ पे कोई भी एबनॉर्मल फैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं. दैट इज डी आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेस पेयर इंडेक्स इज बेस्ड ऑन, तो लेस पेयर का जो इंडेक्स होता है वो किस पे बेस्ड होता है? करंट ईयर क्वांटिटीज, बेस ईयर क्वांटिटीज, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ दीज? सो आंसर विल बी बेस ईयर क्वांटिटीज. तो पूरा लेस पेयर का इंडेक्स जो है बेस ईयर की क्वांटिटीज पे बेस्ड हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एंड इंडेक्स नंबर दैट कैन सर्व मैनी पर्पस इज कॉल्ड, तो उस इंडेक्स नंबर को जिसे मैनी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो उसको कहते हैं जनरल पर्पस इंडेक्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ द टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट आर सेटिस्फाइड बाई, तो टाइम और फैक्टर, देखिए टाइम का हमने वहाँ पर ही देखा, टाइम रिवर्सल टेस्ट का, तो P01 मल्टीप्लाई बाई P10 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए. तो उसी तरीके से यह बोल रहा है कि टाइम और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो दोनों सेटिस्फाई करे वो कौन था? तो इसका आंसर होगा बी, फिशर्स इंडेक्स. क्यों? क्योंकि इन्होंने दोनों टेस्ट सेटिस्फाई किए, इसीलिए इसको आइडल इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है, फिशर्स को, ठीक है? तो आंसर बी होगा, जबकि लेस पेयर्स और पाश्चे जो है इन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया था आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द बेस मेथड टू मेजर द रिलेटिव चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज, तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है प्राइस, जो कमोडिटीज की प्राइसेस में रिलेटिव चेंजेस हैं उनको मेजर करने का? तो दैट इज प्राइस इंडेक्स नंबर, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द सेकुलर ट्रेंड इज मेजर बाय द मेथड ऑफ सेमी एवरेज व्हेन, व्हेन ट्रेंड इज लीनियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फिशर आइडल इंडेक्स इज, तो जो फिशर का आइडल इंडेक्स है वो क्या है? तो दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस पेयर्स एंड पाश्चे इंडेक्स. तो इन दोनों का ही आप अंडर रूट करके निकाल लेंगे तो आपका फिशर्स एंड आइडल इंडेक्स नंबर आता है, ठीक है? लेस पेयर्स का और मल्टीप्लाई बाय पाश्चेस का, उसका ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट निकाल लेंगे तो फिशर आइडल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो जाता है, टोटल आ जाता है. फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, सो ए इज दी वॉट? सो ए इज दी आपकी इंटरसेप्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, y इंटरसेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ट्रेंड वैल्यूज इज फ्री हैंड कर्व मैथड आर ऑप्टेंड बाय, तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्राफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए इज द, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में a क्या है, ठीक है? तो ए क्या है आपका? वाई इंटरसेप्ट है, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे वाई क्या हो गई आपकी? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई. नेक्स्ट देखते हैं. द ट्रेंड वैल्यूज इज फ्री हैंड कर्व मेथड आर ऑप्टेंड बाय, तो ट्रेंड वैल्यूज जो फ्री हैंड कर्व मेथड को अप्लाई करते हैं तो वो कैसे पाते हैं? वो हम पाते हैं ग्राफ के थ्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस रिलेटिव्स आर परसेंटेज रेशियो ऑफ करंट ईयर प्राइस एंड, तो जो प्राइस रिलेटिव है वो परसेंटेज है किसके किसके रेशियो का? करंट ईयर प्राइस का और, सो आंसर विल बी व्हाट? बेस ईयर प्राइस. तो करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस, आपका क्या रिजल्ट आता है? आपका रिजल्ट आता है प्राइस रिलेटिव का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ पी जीरो इज 150 एंड पी वन इज 200, देन करंट ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर विल बी, तो यहाँ पे आपको बता रहा है अगर बेस ईयर की जो प्राइस है वो 150 है और करंट ईयर की प्राइस आपकी 200 है, तो करंट ईयर प्राइस इंडेक्स क्या होगा? सो करंट ईयर प्राइस इंडेक्स या रिलेटिव प्राइस इंडेक्स हम निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा आपका? करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाई बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, जो अभी हमने देखा. सो आंसर विल बी वॉट? आप इस तरह करेंगे 200 डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 100, सो आंसर इज सी, 133.3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ समेशन पी वन क्यू जीरो इज इक्वल टू 183, समेशन पी जीरो क्यू जीरो इज इक्वल टू 144, देन लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर विल बी, तो लेस पेयर्स का प्राइस इंडेक्स नंबर जो होता है वो किस पे कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखिए लेस पेयर का प्राइस इंडेक्स नंबर बेस ईयर क्वांटिटी पे बेस्ड होता है, ठीक है? और फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा समेशन पी वन
Q0 डिवाइड बाई समेशन P0 Q0, क्योंकि क्वांटिटी ही इंपॉर्टेंट है, बेस ईयर क्वांटिटी, तो इसीलिए ऊपर भी Q0 है और नीचे भी Q0 ही होगा, ठीक है। तो नीचे तो हम पूरा बेस रखते हैं, प्राइस जीरो क्वांटिटी जीरो, है ना। और ऊपर क्या होगा, प्राइस आपका करंट ईयर की हो जाएगी, पर क्वांटिटी अभी भी हम बेस मानेंगे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बेस ईयर क्वांटिटी। सारी चीज़ें क्या, क्वांटिटी हमेशा हम किसकी मानेंगे, बेस ईयर की मानेंगे। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद हो तो आप इस बेसिस से भी याद करें कि लास्ट ईयर बेस ईयर क्वांटिटी, और जितने भी क्वांटिटी के होंगे वो Q0 आएंगे। तो बच्चा आपका ऊपर में सिर्फ पी जो कि करंट ईयर का आएगा, बाकी सब कुछ बेस का जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम करेंगे तो कैलकुलेशन कैसे बनेगी, 183 डिवाइडेड बाई 144 मल्टीप्लाई बाई 100, सो आंसर होगा 127.08। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम लॉरेंस कर्व बाय टेकिंग द इंटीग्रल ऑफ द कर्व एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 0.5। तो अगर हमको जो इंडेक्स है वो कैलकुलेट करना है लॉरेंस कर्व के थ्रू, तो उसमें हम अगर इंटीग्रल पार्ट को लेते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0.5 से, तो इस तरह से कैलकुलेशन क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड जीनी इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है, व्हाट डज लॉरेंस कर्व एनालिसिस इंडिकेट्स इन द इकोनॉमी। तो लॉरेंस कर्व एनालिसिस जो हम इससे कैलकुलेट करते हैं वो एग्जैक्टली हमें क्या बताती है, तो देखिए ये जो है ये बेसिकली इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को बताती है, और जब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं इकोनॉमी में तो हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है इनइक्वालिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आंसर होगा इनकम इनइक्वालिटीज, ऑप्शन नंबर सी। अगर देखिए इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लॉरेंस कर्व में करते हैं, इसी के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कर्व में इस लॉरेंस कर्व के बेसिस पे ग्राफ पे डालते हैं, ठीक है। लेकिन इसके एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि इस वेल्थ में और इनकम में कितनी इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो अगर दिया होता है वेल्थ इनइक्वालिटीज इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन तो आंसर ये हो जाता, या अगर दिया होता है कि इनइक्वालिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन तो आंसर वो हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और इनइक्वालिटीज दिया है, तो इसलिए आंसर सी होगा, दैट इज इनकम इनइक्वालिटीज, क्योंकि लॉरेंस कर्व का जो एनालिसिस हम बेसिकली इनइक्वालिटीज को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। अब किस चीज़ के इनइक्वालिटीज को बताएगा वो, दैट इज इनकम और वेल्थ के इनइक्वालिटीज, क्योंकि आपकी इकोनॉमी में कितनी इनइक्वालिटीज हैं इनकम के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द लॉरेंस कर्व, सो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज मैक्स ओ लॉरेंस। सो क्वेश्चन है, एज पर द 2011 सेंसस इंडियाज़ पॉपुलेशन इज अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन की कितनी है, तो आंसर विल बी 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर सेंसस 2011 हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो वो क्या थी, इलाहाबाद आपकी है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एज पर सेंसस 2011 सेक्स रेशियो इन इंडिया इज, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज़ 933 फीमेल पर 1000, ये 2001 के अकॉर्डिंग थी, जबकि 2011 के अकॉर्डिंग ये हो गई 943 पर 1000 मेल, राइट। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम डी लगा देंगे, बट अदरवाइज 2011 की जो है वो 943,000 मेल पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच डेट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो पॉपुलेशन डे जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2001 टू 2011, तो 2001 और 2011 की जो जनगणना हुई उसके बीच में पॉपुलेशन का क्या वेरिएशन रहा है, तो वेरिएशन रहा 17.64% के बीच से। एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच वन इज हाइएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ द कंट्री, तो इंडिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।